प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने किया सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन, बोले गुलामी का प्रतीक राजपथ अब कर्तव्य पथ बन गया। नेताजी के कार्यक्रम में बुलाने के तरीके पर भड़की ममता, बोली क्या मैं इनकी नौकर हूं। बिहार के सिवान में महावीरी अखाड़ा शोभा यात्रा पर पथराव, 12 घायल, असामाजिक तत्वों ने फेंके ईंट पत्थर। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ने जयपुर में किया डांस, 30 मंत्रियों के साथ अजमेर दरगाह में जियारत की। लंपी से राजस्थान में 46,000 गायों की मौत, देशभर में 15 लाख से अधिक गाय संक्रमित। महिला सिपाहियों ने वर्दी में बना दिया रेल, एडीजी ने दोनों महिला सिपाहियों को किया सस्पेंड। बालमन में पलेगी अपराध से नफरत, मुजफ्फरनगर में 2 वर्ष चलेगा स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम। सर हमारी पीठ पर हाथ फेरते थे, मुरादाबाद में टीचर की गंदी हरकतों से अभी तक सहमी है छात्राएं। सहारनपुर में होमगार्ड पत्नी को पीट पीट कर मार डाला, लाश के बगल में लेटा रहा, पति पुलिस से कहा हत्या नहीं करना चाहता था। मथुरा में सहकारी बैंक में चोरी, दिन दहाड़े कैश काउंटर से उड़ा ले गए 10 लाख रुपए, चोरी की वारदात से बैंक में मचा हड़कंप। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन, स्कॉटलैंड के बाल्समोरल कौसल में 96 साल की क्वीन ने अंतिम सांस ली। चार्ल्स 3 बनेंगे ब्रिटेन के नए किंग, 2.23 किलो सोने का मुकुट, 70 साल बाद ब्रिटेन का नया राष्ट्रगान बदलेगा। अर्जेंटीना में एंकर ने मनाया महारानी की मौत का जश्न, ताली बजाते हुए जताई खुशी, कहा आखिरकार नरक चली गई बुढ़ी। गोगरा हॉट स्प्रिंग के पीछे हटने लगी चीन और भारत की सेना, दोनों देशों की सेनाओं ने की घोषणा। बाइडेन ने ट्रंप का फैसला पलटा, अमेरिका ने पाकिस्तान को फाइटर जेट F-16 प्रोग्राम को जारी रखने के लिए दिए $45 करोड़। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बने। ग्रीन पार्क हॉस्टल के खिलाड़ियों ने सचिन यूई को किया बोल्ड, एंटनी ने लगाए गणपति बप्पा के नारे। विराट से हारा अफगानिस्तान, 12 साल बाद कोहली का शतक, 122 रन की पारी खेले, अफगान टीम 111 रन ही बना सकी। विराट कोहली ने किया 1020 दिन के लंबे इंतजार को खत्म, 71वें शतक जड़ मनाया जश्न। आसिफ अली और फरीद अहमद पर आईसीसीआई का बड़ा एक्शन, मैच फीस पर 25% जुर्माना लगाया। अल्लू अर्जुन के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं सुरेंद्र रेड्डी, रेस गुर्रम के बाद अल्लू के साथ फिर काम कर सकते हैं डायरेक्टर। करीना कपूर का वर्कआउट वीडियो हुआ वायरल, योगा करती दिखी एक्ट्रेस, फैंस ने की तारीफ। दस साल बाद रिलीज हुई धनुष की फिल्म 3, बॉक्स ऑफिस पर मचा रही है धमाल।
राम सेतु विवाद पर अक्षय कुमार ने दिया जवाब, बोले फिल्म ड्रामा फिक्शन है जो वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। लाल बागचा पहुंचे रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी, ब्रह्मास्त्र की रिलीज के एक दिन से पहले किया बप्पा का आशीर्वाद। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।